स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लर्न कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी जितनी भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जो सीखा था, बेसिक नॉलेज में हमने कई सारी बातें सीखी थी, जैसे कि टाइम वर्ड क्या होते हैं, सब्जेक्ट डूअर क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सब हमने बेसिक नॉलेज में सीखा था। और हमने बताया था आपको कि टाइम वर्ड जो होते हैं, नाइन होते हैं, हमारे नाइन टाइम वर्ड्स का यूज हम अपने इंग्लिश स्पोकन में करते हैं। तो उनमें से हमने थ्री टाइम वर्ड्स का यूज आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। वो थ्री टाइम वर्ड्स हमारे इस एम आर का यूज हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो हमने बगे भी बताया था इस एम आर का यूज हम उन सेंटेंसों में करते हैं जहाँ हमारा जो काम होता है प्रेजेंट में होता है, जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं उन सेंटेंसों को हम इस एम आर के जरिए बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमारी जो वीडियो है वो है लाइफ टाइम सेंटेंस। लाइफ टाइम सेंटेंस यानी ग्रामेटिकली बताएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वही हमारे लाइफ टाइम में आकर यहाँ पर एड हो जाते हैं इंग्लिश स्पोकन में। इंग्लिश स्पोकन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को लाइफ टाइम सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए लाइफ टाइम सेंटेंस होते क्या है। लाइफ टाइम सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारी लाइफ में जो काम करते हैं, अक्सर लाइफ में करते हैं, अब वो नहीं कर रहे हैं लेकिन करते जरूर हैं। सपोज दैट मैं गाने सुनती हूँ, फिलहाल तो मैं गाने नहीं सुन रही हूँ ना, मैं थोड़ी देर बाद सुनू, बट मैं सुनती तो जरूर हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, बट मैं सुनूंगी तो जरूर। ये जो सेंटेंस होते हैं जो हम अक्सर लाइफ में करते हैं, जो सेंटेंस हम अक्सर लाइफ में करते हैं वो सेंटेंस हमारे लाइफ टाइम सेंटेंस होते हैं, लाइफ में जो हम अक्सर करते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे इसमें कुछ रूल है, वो देखिए किस तरह से लाइफ टाइम सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिएगा, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब को ग्रामेटिकली यूज से हम सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने ग्रामेटिकल में पढ़ा होगा ग्रामर में कि जो जिनमें पहचान होती है ता ती थे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, बट यहाँ पर हम ग्रामर के रूल से नहीं सीखेंगे, हम इंग्लिश स्पोकन से सीखेंगे। तो देखिएगा इन सेंटेंसों का जो मेन पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ हम इस एम आर का यूज नहीं करना है, इस एम आर का यूज नहीं करना है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमने उसमें इस एम आर का यूज सीखा था, बट जो हमारे लाइफ टाइम सेंटेंस है इसमें हम इस एम आर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर इस एम आर का तो यूज बिल्कुल करना ही नहीं है आपको। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर आई एक्शन हमें फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करना है, तो हम नॉर्मल बोलेंगे आई एक्शन, ठीक है। वहां हम क्या बोल रहे थे, आई एम एक्शन प्लस इंग, ये हमारे लास्ट वीडियो में बोल रहे थे, बट यहाँ पर जो हम लाइफ टाइम सेंटेंस में बोलेंगे आई एक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करना है आई एक्शन। लेकिन नहीं तो हमें यहाँ इस एम आर किसी का यूज नहीं करा है, ऐसे हम सेकंड पर्सन के लिए बोलेंगे यू एक्शन, सेकंड पर्सन के लिए बोलेंगे हम यू एक्शन, एंड थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे, थर्ड पर्सन हमारा कोई भी हो सकता है, ही शी या इट या अदर कोई नेम, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, ही माना हमारा है थर्ड पर्सन ही है, तो ही एक्शन प्लस एस या ई एस, एक्शन में एस या ई एस एड करेंगे। अब आप पूछेंगे भाई एस या ई एस, एस और ई एस कहाँ लगाना है, एस या ई एस देखिएगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये हमारे टू पॉइंट है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सभी बच्चे जानते हैं वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए वॉवेल का जहाँ यूज होगा, सपोज देखिए हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी एक्शन है, एक्शन में तो लास्ट में होता है, ठीक है, जो वर्ड हमारा लास्ट में है अगर वो वॉवेल है तो वहां ई एस का यूज करेंगे। देखिए वो है, वो में पीछे क्या है, ओ हमारा वॉवेल है तो हम यहाँ ई एस कर देंगे, मीन्स बोस। कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्सोनेंट में हम लगाएंगे एस, देखिए पिले, पिले में पीछे क्या है बाई, बाई और हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसकी हम यहाँ पर एस का यूज करेंगे प्ले। तो याद रखिए आप पॉइंट क्या है, वॉवेल के साथ हम ई एस का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ हम एस का यूज करेंगे। देखिए अगर आपको अपने सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, तो उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, उससे आपको जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पर्सन कौन से और कैसे होते हैं। तो देखिए फिर से बता दें, आई जो है फर्स्ट पर्सन यूज, सेकंड पर्सन और मी शी या कोई नेम वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है, अब हमें लगाना है डायरेक्ट एक्शन, एक्शन लगाएंगे हम आई रीड एंड एस से, मैं एक निबंध पढ़ता हूँ या मैं एक निबंध पढ़ती हूँ, तो आई रीड एंड एस से, ये हो गया हमारी एक्शन।
एक्शन आई एक्शन, इसलिए हमने इस एम आर का यूज नहीं करा है। सिंपल है लेकिन आई एक्शन, देखिए आई रीड एन एस से या एन एस से लिखा है मैंने, आप जो पढ़ रहे हो वो बता दे। आई रीड अ बुक, आई रीड अ लेटर, आई रीड अ नोट बुक, ठीक है। अब सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन के लिए हमें यू एक्शन का यूज करना है। यू रीड एन एसे, तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम निबंध पढ़ते हो। एंड थर्ड पर्सन के लिए कराए हमने ही रीड्स, बताया था हमने थर्ड पर्सन के साथ एस या एस का यूज करना है। यहाँ हमने एस का यूज करा है बिकॉज डी इज कॉन्सोनेंट, क्योंकि डी जो है हमारा वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने एस का यूज कर दिया रीड्स। ओके, बट यहाँ पर हमने ओ एस, अब देखिए हम इसको बोलेंगे कैसे, बोलेंगे तरीका क्या है। आई रीड एन एसे, मैं कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। अब हमें सेकंड पर्सन के लिए बोलना है ओ आई सी यू रीड एन एसे एंड ही रीड्स एन एसे। ओके, देखिए आई रीड एन एसे, ओ आई सी यू रीड एन एसे एंड ही रीड्स एन एसे। हमारी जो एक्शन है, एक्शन चेंज नहीं करेंगे हम, ओनली ओनली पर्सन चेंज करेंगे। एक्शन चेंज नहीं करनी है, पर्सन चेंज करने। एक बार फिर से देखिए, आई रीड एन एसे, ओ आई सी यू रीड एन एसे, सी रीड्स एन एसे। ओके, देखिए इसी से रिलेटेड मैंने कुछ एक्शन लिखी है, या एक्शन देखते हैं। डंप द गार्बेज, डंप द गार्बेज मीन्स कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना। क्या होता है डंप द गार्बेज मीन्स कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना। एंड मेक द बेड, बिस्तर लगाना। मेक द बेड मीन्स क्या होता है, बिस्तर लगाना। एंड वॉक द डॉग, डॉगी को घुमाना। चेंज क्लॉथ्स, क्लॉथ्स चेंज करना। बाय ग्रोसरी, अब ये पूछेंगे ग्रोसरी क्या होती है। ग्रोसरी होती है जो हमारा किचन का सामान होता है, वो होती है हमारी ग्रोसरी, यानी ग्रोसरी खरीदना। टेक अ नैप, दिन में जो हम थोड़े समय के लिए सोते हैं, झपकी लेते हैं, उसको हम बोलेंगे टेक अ नैप, मीन्स झपकी लेना। एंड प्ले वीडियो गेम, वीडियो गेम खेलना। टेक कॉफी, कॉफी पीना। एंड यूज फेसबुक, फेसबुक यूज करना। वो ऑल पिकनिक, पिकनिक पर जाना। ये हमारी 10 एक्शन है, तो हमें इसको इसकी तरह से देखिए ऐड करना है। आई डंप द गार्बेज, आई डंप द गार्बेज, ओ आई सी यू डंप द गार्बेज, सी डंप्स द गार्बेज, ऐसे बोलेंगे। लेकिन सेकंड बोलते हैं आई मेक वेट, ओ आई सी यू मेक वेट, ही मेक्स बेड। आप यहाँ पे कोई नेम भी ऐड कर सकते हो। ये वाली बोलते आई टेक अ नैप, ओ आई सी यू टेक अ नैप, नेम ऐड करो तो शालू टेक्स अ नैप। ओके, टेक्स अ नैप, आपको थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का यूज करना है। फर्स्ट पर्सन सिंपल रहेगा, ऐसे ही सेकंड पर्सन भी सिंपल रहेगा, और थर्ड पर्सन के साथ आप एस या ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये देखो, आई यूज फेसबुक, ओ आई सी यू यूज फेसबुक, सी यूजेस फेसबुक। ओके, इस तरह से हम अपने सेंटेंस यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये लाइफ टाइम का सेंटेंस का पूरा